अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव समापन के उपरांत अभी मेला ग्राउंड में खरीद फरोख्त के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। मेले के संपन्न होने के उपरांत पहले दिन मेला ग्राउंड में लोगों की भारी भीड़ जुटी और दूर दूर से आए लोगों ने सामान की खरीदारी की, मगर इस दौरान मेला ग्राउंड में खाने के ढाबे के मालिक खासे परेशान दिखे। इनकी परेशानी का कारण यहां गंदगी का आलम रहा। पुलिस चौकी के सामने वाले मैदान में स्थापित इन खाने के ही दुकानों के बाहर दिन भर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिससे इस ओर लोगों का आना जाना कम रहा। दुकान के मालिक का कहना है कि आज पूरा दिन कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आई, जिससे दुकान के सामने गंदगी का आलम फैला हुआ है, जिस वजह से खाना खाने ग्राहक नहीं आए और इन्हें नुकसान झेलना पड़ा। इन दुकानदारों ने मेला समिति से मांग की है कि मेला ग्राउंड में हर रोज कूड़े को उठाने की व्यवस्था सुचारू की जाए। मेले में कोई सुविधा ही नहीं है, कचरा फैला हुआ है चारों तरफ। कहाँ से है सर? जयपुर से। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। इसी बार हुआ सर? हर बार ऐसा ही है। इस बार तो हर साल तो ठीक रहता है, इसी साल तो मतलब। और यहाँ बोलने भी गए हम कि यहाँ पर कचरा उठाओ, बोले गाड़ी आ जाएगी। ट्रक की गाड़ी डेली आती थी 8-9 बजे करीब, आज गाड़ी नहीं आई है और कस्टमर इसकी वजह से हमारी दुकान में नहीं आ रहे। कस्टमर को बहुत दिक्कत हो रही है, चारों तरफ बदबू फैल रही है, इसलिए बहुत परेशान। कचरा उठना चाहिए यार जल्दी से जल्दी, इतना बड़ा मेला है, कोई कार्रवाई है ही नहीं। हम लोगों ने शिवरात्रि में यहाँ सीटू का स्टॉल लगाया हुआ है और हम पिछले 8-10 दिनों से यहाँ स्टॉल पर अपना काम कर रहे हैं और सफाई की व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। 2 दिन से तो पूरा नहीं उठाया गया, देखिए आपके सामने इतना ढेर लगा हुआ है पूरे का। सफाई के नाम पर तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, पर 2 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं आ रही और ऐसा कूड़ा पड़ा हुआ है दुकान के आगे की बुरी हालत है। लोग आने से भी कतरा रहे हैं, अंदर बहुत बुरी हालत है, लोग आ ही नहीं रहे अंदर से। अब खाने का स्टॉल है, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि सामने से ढेर लगा हुआ है, तो उनका बुरा हाल।